आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अबूर्द उत्प्रेरण TI अर्थात ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, परंतु इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पादपों में स्थानांतरित करने में किया जाता है, क्योंकि TI प्लाज्मिड को इसके द्वारा संशोधित कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं TI प्लाज्मिड की संरचना। ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है TI प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड किसका भाग है? अब हमें पता है प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं में पाई जाने वाली, तो लिख लेते हैं इसे, प्लाज्मिड क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं में पाया जाने वाला, जीवाणुओं का, लिख लेते हैं, जीवाणुओं का अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए। तो स्टूडेंट, ये तो है प्लाज्मिड। देख सकते हो आप, जीवाणुओं में पाया जाता है प्लाज्मिड, और जीवाणुओं के मुख्य जीनोम के अलावा पाया जा रहा है, अर्थात जीवाणुओं की अनुवांशिकता में इसका कोई भी योगदान नहीं है। जीवाणुओं का अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं TI प्लाज्मिड की। अब TI प्लाज्मिड जो है यह किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है स्टूडेंट्स एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक बैक्टीरिया या जीवाणुओं में। तो लिख देते हैं एग्रो बैक्टीरियम, और इसकी जाति है, प्रजाति है ट्यूमिफेशियंस। तो लिख देते हैं ट्यूमिफेशियंस। यह एक मृदा जीवाणु है, अर्थात मृदा में रहता है, और इसका प्लाज्मिड है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, अर्थात ट्यूमर को बनाने वाला, ट्यूमर को उत्प्रेरित करने वाला यह प्लाज्मिड है। अब यह ट्यूमर बनाता कैसे है और कौन से पादपों में ट्यूमर बनाएगा? अब TI प्लाज्मिड जो है स्टूडेंट्स, यह द्विबीजपत्री पादपों पर अटैक करता है। तो हम लिख देते हैं द्विबीजपत्री पादपों का यह जीवाणु है, अर्थात द्विबीजपत्री पादपों पर यह आक्रमण करता है। यह आक्रमण कहां करेगा? यह क्षतिग्रस्त जड़ के भागों पर करता है, क्षतिग्रस्त मूल पर करेगा। यह करता क्या है? क्षतिग्रस्त मूल के पास जाएगा यह जीवाणु, और अपने प्लाज्मिड का इतना भाग, देख सकते हो आप, इसे क्या बोला गया है? TDNA। तो यह क्या करता है? क्षतिग्रस्त मूल में अपना TDNA या ट्रांसफर DNA, या फिर इसे कहते हैं स्थानांतरण डीएनए जो है यह क्या करेगा? उस मूल की कोशिकाओं में छोड़ देगा, जिससे कि पादप कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं। रूपांतरित पादप कोशिकाओं का निर्माण होता है, रूपांतरित पादप कोशिकाएं। ये पादप कोशिकाएं लगातार क्या करेंगी? अब अनियंत्रित विभाजन करती हैं। तो इनमें क्या होगा? अनियंत्रित विभाजन होता है स्टूडेंट्स, और अनियंत्रित विभाजन के द्वारा क्या होगा? अबूर्द का निर्माण हो जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं ये है अबूर्द निर्माण हो जाएगा। तो स्टूडेंट, केवल इतना सा भाग इसका, ये हम देख सकते हैं, इतना सा ये जो भाग है, ये TDNA, यह पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करता है, इसलिए इसे बोला गया है TDNA। और यही भाग जो है पादप कोशिकाओं में रोग उत्पन्न करता है, अर्थात अबूर्द निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अब क्या किया गया है साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिकों ने क्या किया? लैब के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर इस भाग को प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से हटा दिया। हटाकर यहां पर वांछित जीन जोड़ा जा सकता है। अब क्या होगा? अब वांछित जीन जोड़ने पर यह RDNA का निर्माण हो जाएगा। RDNA का निर्माण होने से क्या होगा? अब यदि इसे दोबारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में डाल दें, तो यह द्विबीजपत्री पादपों पर आक्रमण करेगा, और TDNA की जगह हमने क्या जोड़ा हुआ है? TDNA की जगह जोड़ दिया वांछित जीन। अब यह TDNA को क्या कर देगा? पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देगा, जिससे कि अब TDNA एक्चुअल जो अबूर्द बना रहा था DNA, वह स्थानांतरित नहीं होगा, उसकी जगह हमारा वांछित जीन स्थानांतरित हो सकता है। तो यह जो रोग उत्पन्न करने वाला जीन है, इसे हटा दिया गया है, जिससे कि TI प्लाज्मिड का उपयोग आज एक क्लोनिंग संवाहक के रूप में हो रहा है। अबूर्द
बनाने वाले जीन को हटा दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है हमारे पास अबूर्द बनाने वाले जीन को जोड़ना, इसको जोड़ा नहीं गया, इसको हटा दिया गया है, अर्थात पीआई प्लाज्मिड को निरस्त्रीकृत कर दिया गया है, इसके शस्त्र जो है वो छीन लिए गए हैं। इसका शस्त्र क्या था? टीडीएनए था, इसको हटा दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अबूर्द बनाने वाले जीन को हटाना, बिल्कुल सही है, अबूर्द बनाने वाले जीन को हटा दिया गया है और इसकी जगह वांछित जीन जोड़ दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एंडोन्यूक्लियस के प्रतिरोधी जीन को जोड़ना, तो ये भी गलत है, वर्ण योग्य चिन्ह इसके पास अपने खुद के होते हैं। और देख लेते हैं एंडोन्यूक्लियस को हटाना, एंडोन्यूक्लियस स्टूडेंट खुद एक एंजाइम है, यह कोई जीन नहीं है, यह कोई डीएनए नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, ऑप्शन गलत हुआ, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।